नमस्कार आम स्वतंत्र साक्षात्कार को स्वागत करीमा एवं वर्तमान राजनीतिर माहौल ओडिशा होची फोकस रे कहार ना बीजेपी रो कारण आप देखुए घन घन केन्द्रीय नेतृत्व एटी जदि आम कह आगमन हो प्रचार कार्यक्रम जोग दौंट निर्वाचन सभार जोग देोटर को आकृष्ट करने कथा कहते सब बड़ कथ हो प्रधानमंत्री बारंबार गस्त कौटना कौटि विरोधी जो शिविर रही है से हलचल सृष्टि कर आम साथ मत से ही क्रम आँचारे निर्वाचन प्रचार करने जदि इंट्रोडक्शन मुझे देवी तेल हूँ तो कम पड़ा तथापि विषय द्विपद कथ 16 नवेम्बर 1990 मसीह कह चिकमंगलूर बैंगलोर से एक ब्राह्मण परिवार जन्म बापा नाम सूर्यनारायण और माँ का नाम हूँ रमा प्रथम जदि आम कह प्राथमिक शिक्षा तेल कुमारन चिल्ड्रेन्स होम और न्याशनाल कलेज स्नातक और आईन डिग्री पर सीधा सड़क राजनीति रे तांकर प्रवेश एवं तांकर परिचय कहले यंगेस्ट एमपी जदि आम कह 2019 बैंगलोर साउथ कन्स्टिट्युएन्सी से लड़ी थे जीति कांग्रेस वेटरन लीडर जी रही बीके हरिप्रसाद को पाखापाखि 3.5 लाख भोट रही युव चेहरा हिसाब से बीजेपी पक्षर से उभा एवं से रही राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी युवा मोर्चार सहित आलोचना करवा सी आउ कहीं नुहंती सी होती तेजस्वी सूर्या आलोचना करवा कार्यक्रम को सूर्या जी आपको उड़ीसा में स्वागत है बहुत बहुत स्वागत है कैसा लग रहा है आपको नमस्ते बहुत अच्छा लगा बहुत दिन से उड़ीसा आने का मन था अपने कार्यकर्ताओं के साथ कल आज कई सारे कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका मिला आज माँ समलेश्वरी जी की दर्शना करने का मौका मिला साथ में साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आज दोपहर में पखाड़ा खाने का भी मौका मिला सो बहुत अच्छा लगा आई हैव मैं जब हाई स्कूल में था मिडिल स्कूल में था एक कंपटीशन के लिए मैं यहाँ आया था तब पुरी जगन्नाथ जी का दर्शन भुवनेश्वर और कोणार्क मंदिर का भी दर्शन मैंने किया था और चिलिका लेक भी मैं गया था मैं बाल भवन का एक कॉम्पिटिशन के लिए मैं आया था वो पार्टिसिपेट करने के लिए लगभग 10-11 साल पहले 15 साल हो सकते हैं 15 साल पहले मैं आया था तो चेंज तो हुआ है मतलब 15 साल के पहले जो स्थिति था वैसा स्थिति तो नहीं है पर 15 साल में जिस प्रकार से चेंज एक प्रदेश में होना चाहिए उस प्रकार का चेंज मैं नहीं देखा हूँ मुझे अभी भी याद है जी मैं कल भी एक सार्वजनिक सभा में इसका जिक्र किया था मैं 15 साल पहले जब ओडिशा यहाँ आया था तब भी यहाँ बहुत गरीबी में देखा था और वापस आते वक्त ट्रेन में मम्मा पापा से जब हम बात कर रहे थे इसी सब्जेक्ट को हम बात करके गए कि ओडिशा में कितना गरीबी हम देखे थे और 15 साल के बाद जब मैं यहाँ आया हूँ तब भी देश के गरीब प्रदेशों में एक अभी भी ओडिशा है तब भी ओडिशा से युवा रोजगार के लिए बाहर जाते थे आज भी बाहर जाना मजबूरी बन गया है तो इकोनॉमिक दृष्टि से डेवलपमेंटल दृष्टि से जितना डेवलपमेंट हो सकते थे जितना डेवलपमेंट का संभावना थे वो नहीं हुआ है ये तो मैं पॉलिटिकली कहना है इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ पर अनुभव के आधार पर मैं सच बात कह रहा हूँ बहुत सारा स्कीम्स मतलब कि उड़ीसा सरकार ने युवाओं के लिए बनाए हैं तो भाजपा मतलब बीजेपी की तरफ से आपके पास ऐसे कुछ स्कीम है जो युवाओं को अट्रैक्ट करे मतलब आप जैसे बोले कि रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं मतलब कि बहुत कुछ संभावना उड़ीसा में फिर भी गरीबी प्रदेश के हिसाब से उसका नाम जाना जाता है तो आपको क्या लग रहा है बीजेपी के पास ऐसे कोई स्कीम है जो यूथ को अट्रैक्ट कर सके बीजेडी ने युवाओं के लिए युवाओं के भले के लिए कुछ किया होता तो आज ओडिशा का स्थिति ओडिशा के जो डेवलपमेंटल स्थिति आज से बहुत डिफरेंट होता मैं आपको 2-3 चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं मैडम ओडिशा में क्या कमी है आप बताइए देश के सबसे ज्यादा नैसर्गिक संपत्ति किसी एक प्रदेश में है खनिज संपत्ति किसी प्रदेश में है तो ओडिशा नंबर 1 पे
उड़ीसा में पानी का कमी नहीं है, कई सारे नदियां यहां बहती हैं, सबसे लंबा कोस्ट लाइन है। एक अत्यंत महत्वाकांक्षी मेहनती युवाओं की वर्ग है, ह्यूमन रिसोर्स है। ये सब चीज होने के बाद भी अगर आज जब देश इतना आगे बढ़ रहा है, ऐसे कॉन्टेक्स्ट में भी आज पर कैपिटा इनकम में आप जब देखते हैं, ओडिशा देश के 25th स्टेट में है, मतलब सबसे गरीब स्टेट्सों में एक गिन सकते हैं। यहां के किसान देश के सबसे गरीब किसानों में एक है, यहां के महिला सबसे गरीब महिला में एक है, यहां के ट्राइबल की आय बगल के छत्तीसगढ़, बगल के मध्य प्रदेश से कंपैरिजन में यहां के ट्राइबल के आय आधा है। ओडिशा से मैं, क्योंकि बेंगलोर से आता हूं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम हो या होटल में वेटर का या क्लीनर का काम हो, ऐसे सब काम के लिए यहां से युवा बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं। और मैं सौभाग्यशाली मानता हूं क्योंकि हर साल दुर्गा पूजा के समय में मैं कम से कम 25 दुर्गा पूजा सभाओं में मैं भाग लेता हूं। पर मैं विषय पे मैं वापस आता हूं, यहां मैंने चिलिका का जिक्र किया या कोणार्क जैसा एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है, पूरी जगन्नाथ जी जैसा एक बहुत बड़ा लाखों करोड़ों लोगों को अट्रैक्ट करने वाले एक रिलीजियस टूरिज्म का जगह है। इस सब के बाद भी यहां टूरिज्म में कुछ नहीं हुआ है। देश के सबसे कम इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्सों में आज भी उड़ीसा है। आज जब हम खाना खा रहे थे, मैं अपने कार्यकर्ता से पूछा, यह आलू बाकी जो हम खा रहे थे ये सब कहां से आप आते हैं, यही पैदा होते हैं क्या है? उन्होंने बोला नहीं, आलू के लिए हम वेस्ट बंगाल पे निर्भर हैं, अंडा के लिए हम आंध्रा पे निर्भर हैं, और आजकल तो पॉलिटिकल नेतृत्व के लिए भी आप तमिलनाडु पे निर्भर हो गई है। मतलब एक ओडिशा जैसे स्टेट, मतलब हम आज भी बात कर रहे थे यहां से कैसे कैसे राजा महाराजा पूरे देश के ऊपर असर डालने का बहुत बड़े नेतृत्व ओडिशा से आए। और आज चाइना में बुद्धिज्म फैला है तो उसके पीछे भी यहां से जो पद्म संभवा जी गए थे डुनहांग से शियान तक चाइना में, वो यही ओडिशा से गए थे। मतलब ऐसे बड़ी विरासत, ह्यूज हिस्टोरिकल प्राइड, सिविलाइजेशनल हिस्ट्री, ये सब होने के बाद, नेचुरल रिसोर्सेस होने के बाद, ग्रेट टैलेंट होने के बाद, कितने सारे आईएएस आईपीएस सेंट्रल टीचिंग स्टाफ में है। अपने मैं बैंगलोर का उदाहरण देता हूं, आप बैंगलोर के आईएएससी, बैंगलोर के आईएएम, कितने सारे टीचिंग स्टाफ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर यहां ओडिशा से हैं। मतलब ह्यूमन रिसोर्स में आपका कमी नहीं है, नेचुरल रिसोर्स में कमी नहीं है, सब कुछ है। इसके बावजूद भी अगर हम डी इंडस्ट्रियलाइज है, पर कैपिटा इनकम कम है, जीडीपी कम है, गरीबी ज्यादा है, अवसर कमी है, तो इसको किसको ब्लेम करना है आप? ये मुद्दा हर साल अगर हम, मतलब कि पूरा पास्ट इलेक्शन को हम लोग देखें तो बीजेपी की ओर से ये मुद्दा को लोगों के पास पहुंचा जाता है, घर घर वो जाते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब कि जब वोटिंग की बारी आती है वो वोट में क्यों टर्न नहीं हो पा रहे, प्रॉब्लम आपको कहां पे लगता है? और ताकत के साथ हमें जाना जरूरी है, कई सारे पॉलिटिकल कारण भी है। हम कुछ साल के लिए बीजेडी के साथ हम कोएलिशन में भी थे, प्रयास किए जब हम सरकार में थे कि इसका समाधान हम साथ में मिलकर करें, वो भी नहीं हो पाया। तो जब हम आज सरकार में उनके साथ नहीं हैं और हमको बार बार अनुभव से पता चला कि बीजेडी के साथ जितने भी पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाने के बाद भी वो प्रदेश के भला के लिए वो काम नहीं करेंगे, तो हम बाहर आए हैं। और इस बार मुझे 100% कन्विक्शन के साथ मैं कह सकता हूं कि मैं प्रवास तो अभी 2-3 दिन के ही किए हैं, पर अपना संपर्क तो लगातार होते रहते यहां के कार्यकर्ता के साथ। इस बार जिस प्रकार के उत्साह, उमंग, ऊर्जा के साथ अपने कार्यकर्ता आज मैदान में उतरे हैं, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लास्ट टाइम, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द प्रीवियस टाइम्स। और विशेष रूप में मैडम, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं,
आप 14 के और 19 के जब आप चुनावी नतीजा देखते हैं और एनालिसिस करते हैं सेंट्रल इलेक्शंस के, इन दोनों इलेक्शंस के सबसे बड़ा फोर्स जो चेंज एजेंट के रूप में काम किए थे, मोदी जी को सबसे बड़ा समर्थन किसी एक ब्लॉक से मिले तो वो देश के युवाओं के पक्ष में मिले थे। सो मुझे इस बार ये कन्विक्शन इसलिए है क्योंकि युवाओं के, ओडिशा के युवा आज इस बार तय किए दैट इनफ इज इनफ, दैट ओडिशा डिजर्व्स बेटर, दैट ओडिशा डिजर्व्स ए डिफरेंट काइंड ऑफ लीडरशिप। और दूसरी बात यह भी है, देश और विशेष रूप में प्रदेश, यहां उत्तर प्रदेश ओडिशा, 10 साल मोदी जी के कार्यशैली को भी देखा है। मोदी जी जैसे नेता कैसे देश को बदल सकता है, ये अनुभव हमने किए। और यहां के युवा और देश के युवा सब मानते हैं कि अगले 5 साल के लिए तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी दिल्ली में ही रहेंगे, वही चुनकर आ रहे हैं, तो प्रदेश के उपयोग के लिए, प्रदेश के समृद्धि के लिए यहां भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होना स्वाभाविक रूप से बहुत शक्ति दे देते हैं। सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स इस बार बहुत चेंज है। मगर तेजस्वी जी, अगर ऐसे देखा जाए तो बीजेडी का, यहाँ का जो सरकार है, इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, तो आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है भाजपा के पास यहाँ का, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ बनाए और बीजेडी को मात दे? मैडम, भारतीय जनता पार्टी ऐसा पार्टी है जो मेहनत पे विश्वास करके यहां तक आए हैं। हम जब भारतीय जनता पार्टी के फाउंडिंग हुआ था तब 10-15 ही लोग थे और मेहनत के वजह से हम 2 एमपी के स्थिति पे आ गए और 2 से 303 कोई व्यक्ति गोल्डन प्लेटर में या सिल्वर प्लेटर में गिफ्ट नहीं किए पार्टी को। हर इंच राजनीतिक जमीन के लिए हम लड़ के त्याग परिश्रम से हम यहां तक आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है, और मैं देख रहा हूं जिस प्रकार के मेहनत अपने कार्यकर्ता यहां कर रहे हैं, इतने कड़ी धूप में भी कितने कई सारे अपने कार्यकर्ता जो बुजुर्ग है, सीनियर्स है, महिला कार्यकर्ता है, इतने धूप में उनको तबीयत खराब हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, इसके बावजूद भी प्रदेश के भले के लिए, पार्टी के विस्तार के लिए लोग काम कर रहे हैं। इसलिए सवाल मैंने उठाए, आप केंद्रीय नेतृत्व जो भी आ रहे हैं और यहाँ का जो भी लीडर्स हैं, बीजेपी के जो लीडर्स हैं, उनका फोकस जैसा लग रहा है कि वो पांड्यान बन गए हैं, मतलब पांड्यान जो वोट काटेंगे वो फायदा आप लोग को मिलेगा, वो मतलब बैंकिंग आपके पास नहीं है, वो सिर्फ पांड्यान फोकस में रह गया, तो फिर आप इसको कैसे, मतलब कि मैडम पांड्यान का फोकस हम किए हैं या बीजेडी कर चुके हैं? पांड्यान आज डिस्कशन में इसलिए है क्योंकि सरकार के पूरा जो बैकडोर मैनेजमेंट था लगभग पिछले 10-15 साल में, वो यही किए हैं। फोकस हम नहीं कर रहे हैं, फोकस वो कर रहे हैं। और मैडम आप बताइए मुझे, डेमोक्रेसी का सिस्टम कैसे वर्क होना चाहिए? आप आम वोटर हैं, आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक को आप वोट करेंगे और आपका अपेक्षा होगा कि ये विधायक और विधायक को चुनने के बाद जो सरकार आएंगी वो सरकार आपके लिए काम करेगी, मतलब आपके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव आपको काम करना पड़ेगा, ये आपका एक एक्सपेक्टेशन है एक डेमोक्रेसी में। पर यहां ओडिशा में आप विधायक को वोट करते हैं, बीजेडी के विधायक को, बीजेडी के मंत्री बनते हैं, पर सरकार में बीजेडी का विधायक का रोल कुछ नहीं होता है, बीजेडी का मंत्री का रोल कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक बाबू का रोल होता है। और ये बाबू सिर्फ पांड्यान ही नहीं, पांड्यान से पहले प्यारी मोहन महापात्रा जी, उनका पूरा एक इन्फ्लुएंस था लंबे समय तक, उनके बाद पांड्यान का इन्फ्लुएंस चल रहा है, मतलब यहां डेमोक्रेसी इन एक्शन है ही नहीं। आप तो वोट नेता के लिए, जनता के, जननायक के लिए आप वोट दे रहे हैं, पर सरकार तो बाबू लोग चला रहे हैं। नवीन बाबू की यहाँ पे पॉलिटिकली एक्टिव होने से पहले की बात मैं बोल रही हूँ, जब अब अलायंस में थे बीजेडी और बीजेपी, दोनों अलायंस में थे, जब सरकार बना रहे थे, बना चुके हैं ऑलरेडी उड़ीसा पे, तब ये बात बीजेपी की दिमाग में क्यों नहीं आया, ये बात अभी क्यों आ रहा है कि यहाँ पे ऑफिसर्स राज चल रहा है, मतलब कि मुख्यमंत्री जो है किसी और की इशारे से चल रहे हैं। मैं पहले इस इंटरव्यू में ही बोला, जब हम कोएलिशन में थे तब भारतीय जनता पार्टी की 100% प्रयास रही है अपने मैनिफेस्टो के, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के और प्रदेश के भला के लिए काम करने का।
ये अपना प्रयास रहा है, वो प्रयास विफल हो चुका है, इसलिए हम आज कोएलिशन में नहीं है। अगर तो फिर तीन महीने से तो भी चल रहा था बातचीत बड़ी जोर से, वो मीडिया में चल रहा था, मीडिया में चल रहा था, हम बहुत स्पष्ट क्योंकि सर पास्ट इलेक्शन को हम लोग देख चुके हैं कि बीजेडी और बीजेपी दोनों अलग अलग लड़ते हैं मगर इलेक्शन के बाद इकट्ठा हो जाते हैं, फिर ये तीन महीने पहले भी ऐसे कुछ आलोचना फिर से नहीं होगा तो 100% नहीं है। मैं आपके माध्यम से आपके सब दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, हम इस बार सेकेंड पोजिशन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं और हम सरकार बनाएंगे भी। और आप इश्यू बेस्ड सपोर्ट को पॉलिटिकल कोएलिशन के साथ आप कंफ्यूज मत कीजिए। बीजेडी 3-4 इश्यू के ऊपर केंद्र सरकार को सपोर्ट किए हैं क्योंकि वो राष्ट्रीय मुद्दे थे। उसी प्रकार से स्टेट के जब इश्यू आते हैं, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी हमेशा ओडिशा के लिए सपोर्ट की है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, 10 साल यूपीए के समय में कुल मिला के ओडिशा को 1,00,000 करोड़ रुपए मिला था इन 10 ईयर्स ऑफ यूपीए, और इन 10 ईयर्स ऑफ मोदी जी ओडिशा को 3,50,000 करोड़ रुपए मिला है। ये ओडिशा को दिया गया प्राथमिकता है, इसको आप बीजेडी के पॉलिटिकल कोएलिशन के साथ कंफ्यूज मत कीजिए। और यहां संभलपुर में है हम, संभलपुर में एमपी बनने से पहले ही धर्मेंद्र जी यहां एक IIM लेकर आए हैं, यहाँ एक नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर उन्होंने खोले हैं, यहाँ युवाओं को सक्षम बनाने के लिए कई सारे योजना उन्होंने काम करे हैं। पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ आप कंफ्यूजन मत कीजिए, बीजेडी के साथ पॉलिटिकल कोएलिशन नहीं, मतलब कोई चांस नहीं है अलायंस की आफ्टर इलेक्शन, 100% नहीं है। 100% अमित शाह जी बोले अगर हम लोग बातचीत करें, मतलब अलायंस की बात करें तो वो अलग बात है, वो तो डिसाइड मतलब किया जाएगा आफ्टर इलेक्शन या इलेक्शन से पहले जो भी हो, मगर हम लोग अकेले लड़ रहे हैं मतलब सरकार बनाएंगे। तो आपकी बात अभी मैं सुन रही हूँ कि आप भी इतना श्योर हो के बोले कि गारंटेड कि नहीं हम कोई अलायंस नहीं करेंगे सरकार बनाएंगे। अगर अलायंस की बात होती तो चुनाव से पहले होता था। देर वॉज जीरो चांस देन, देर इज जीरो चांस टूडे, देर इज जीरो चांस टूमोरो। ओडिशा के अस्मिता के बारे में प्रश्न कौन उठा रहा है? बीजेपी उठा रहे हैं। बीजेडी यहां बाहर के व्यक्ति को यहां आकर इनके यहां के लोगों के ऊपर इंपोज करने का जो प्रथा है वो बीजेडी कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं ओडिशा में जन्मे, ओडिशा के विरासत, ओडिशा के भाषा, इनके साथ संबंध रखने वाले, इनके इज्जत करने वाले ऐसे व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, आप समझिए मैडम, और आपके माध्यम से मैं दर्शकों को भी बोलना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी भारत के हर इलाके, हर प्रदेश, हर भाषा, यहां के हर भूषा, हर खाना, यहां के हर विरासत और पद्धति, इसको इज्जत करने वाले और इसको संरक्षित करने वाली एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। पहले बहुत सारा मुद्दा था मगर उड़िया अस्मिता और उड़िया स्वाभिमान पहली बार आया है, इसलिए क्योंकि बीजेडी जो यहाँ का सरकार है वो खुद को बोलता है कि जो आज रीजनल पार्टी के हिसाब से उड़िया अस्मिता को सुरक्षा देने के लिए वो पार्टी का जन्म हुआ है, तो फिर उड़िया अस्मिता और उड़िया स्वाभिमान को लोग कैसे स्वीकार करेंगे जिसको बीजेपी मुद्दा बना के 2024 का इलेक्शन उड़ीसा में लड़ने के लिए। बीजेडी इज सो कंसर्न्ड अबाउट उड़िया अस्मिता, क्या बीजेडी को पूरे उड़ीसा में 4 करोड़ से ज्यादा आबादी है, इतना बड़ा प्रदेश में क्या बीजेडी को एक सक्षम युवा जो यहां जन्मे है, एक युवा नहीं मिला है क्या जो सरकार के या पार्टी के नेतृत्व कर सकते हैं? बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, मगर वो तो बोल रहे हैं कि बाहर से गेस्ट ला रहे हैं, गेस्ट नेता ला रहे हैं यहाँ पे, क्या हम चुनावी प्रचार हम क्या के लिए? हम क्या मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार है क्या? मैं यहाँ प्रचार के लिए आया हूँ, मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि ओडिशा के समृद्धि के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए और बीजेपी ओडिशा के धरती में जन्मे कार्यकर्ता को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या मैं यहां आकर बोल रहा हूं कि मैं सीएम बनना चाहता हूं? क्या अमित शाह जी या मोदी जी जब यहां आते हैं क्या उनका यह है कि हम यहां के इंपोर्टेड नेता को यहां इंपोज करने के लिए हम वोट मांग रहे हैं क्या मैडम? और आज कुछ किसी एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि क्या संविधान में इसका निर्बंध है क्या कि जो बाहर से आए हैं या दूसरे प्रदेश से आए हैं, इज ही नॉट परमिटेड टू बिकम चीफ मिनिस्टर?
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के सामने जो बाहर से आए व्यक्ति है उनके हाथ में देश देकर, देश के कमान देकर हमने देखे हैं, अनुभव किए हैं। 2004 टू 2014 यूपीए के जो 10 साल था वो क्या था? हम बाहर से आए सोनिया गांधी जी के हाथ में गलती से हम देश दे दिए। वो 10 साल देश के इतिहास में सबसे खराब 10 साल है। लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला वही 10 साल में हुआ। मगर पीएम तो मनमोहन सिंह थे, वो तो बोला जाता है कि सब इकोनॉमिस्ट में अगर यहां भी मैडम, यहां भी पिछले 10 साल में नवीन जी ही मुख्यमंत्री हैं, पर सब लोग मानते हैं कि नवीन जी नाम मात्र मुख्यमंत्री हैं, पर सीट में ड्राइविंग करने वाले आदमी तमिलनाडु से आए हुए पांडियन हैं। तो इस बार कैसे डिफेंड करेंगे, बीजेपी कैसे तय किए हैं पूरा मैंने, मैं आपको बोल रहा हूं ना, अगर हम बाहर के व्यक्ति के हाथ पे जब सरकार दिए हैं, देश के अनुभव है, देश के सामने एग्जाम्पल है, हम सब जीव मतलब एक्सपीरियंस कर चुके, अनुभव कर चुके। देश के सबसे खराब 10 साल यूपीए के 10 साल था, देश में सबसे बड़ा घोटाला वही 10 साल में हुआ, देश के कोने कोने में जो आतंकवादी हमला हुआ वो वही 10 साल में हुआ, देश में नक्सलवाद वही 10 साल में पूरे देश में फैला गया, देश सबसे विश्व में सबसे कमजोर आर्थिक शक्तियों में वही 10 साल में नीचे आ गया। सो ये अनुभव है अपने पास। जो व्यक्ति जिसका एक प्रदेश से जन्मतः संबंध नहीं है, जिसका इमोशनल कनेक्ट नहीं है, जो अपने इस कल्चर के विरासत के बारे में उनका श्रद्धा नहीं है, जो अपने खुद के करियर एडवांसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढकर यहां आए हैं, ऐसे व्यक्तियों के हाथ पर अगर हम देश दे देते हैं को क्या होता है, इसका अनुभव हम झेले हैं। इसके आधार पर मैं कह रहा हूं, ओडिशा के युवा तय कर चुके हैं, ओडिशा के अस्मिता, ओडिशा के विरासत, ओडिशा के भाषा, इस सब को समृद्ध रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ही वो वोट देंगे। दो बात आप सामने लाए, एक कांग्रेस की बात बोले और दूसरी बात बोले कि जो बाहर से आए हैं, या चलिए पांडियन को सीधा आपने टारगेट किए, कांग्रेस की बात बोलेंगे तो उड़ीसा में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है इसे देखा जाएगा तो, मतलब कि उनका वोटिंग हो या परसेंटेज हो, इलेक्शन चुनाव के लिए उनकी तैयारी हो, उड़ीसा में जैसे लग रहा है कि वो है ही नहीं, अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई वो लड़ रहे हैं। दूसरी बात पांडियन की बात बोल रहे हैं तो उनका क्रेज कहीं ना कहीं बहुत बढ़ रहा है, और जिसको इसीलिए सब बोलते हैं अभी चर्चा में कि बीजेपी उनको ही टारगेट कर रहा है, तो ये दोनों बात को लेके अब कैसे आगे चलेंगे कि नहीं ये बात नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा आपका विकास है, मुद्दा आपका डेवलपमेंट है, मुद्दा आपका किसान है, मुद्दा आपका महिला है, युवा है, गरीबी हटाना है आपको, ये मुद्दा लोगों के पास कैसे पहुंचाएंगे, डोर टू डोर कैसे पहुंचाएंगे? मैडम हम हर कार्यक्रम में, वो मोदी जी का हो, अमित शाह जी का हो, अपने केंद्रीय नेतृत्व का हो, या यहाँ के अपने स्थानीय नेताओं का, हर कार्यक्रम में हो, जितने सारे वीडियोस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने किए हैं इन सब का हो, हर कार्यक्रम में हम अपने विकास के मुद्दे के ऊपर ही हम बात रखते हैं। अपने मैनिफेस्टो भी ओडिशा को देश के सबसे समृद्ध प्रदेशों में एक कैसे बना सकते हैं, इसका एक रोड मैप है। हम युवाओं के लिए सरकार में आने के तुरंत बाद 150,000 नए रोजगार तुरंत भर्ती करने का वादा हमने किए, ओडिशा के 4 शहरों में आईटी पार्क्स खोलने का वादा हमने किए, यहां के युवाओं को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, ऐसे नए नए इंडस्ट्रीज में मौका मिले, इसके लिए रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हमने मैनिफेस्टो में किए। महिला सशक्तिकरण के लिए हमने सुभद्रा योजना के बारे में बात की, 50,000 रुपए का वाउचर के बारे में हम बात किए, आयुष्मान भारत योजना जो एक गेम चेंजर योजना है हेल्थ इंश्योरेंस में, जिसका लागू अभी तक ओडिशा सरकार ने यहां नहीं किए हैं, उसका लागू करने के लिए हमने बात की है। प्रदेश में 70 साल से ऊपर जितने भी बुजुर्ग लोग हैं सबको फ्री इलाज करने के लिए हम वादा किए हैं। यहाँ के जो किसान हैं, विशेष रूप में जो रेस पैदा करते हैं, ऐसे किसान को MSP जितना मध्य प्रदेश में मिलता है बीजेपी के शासन में, जितना छत्तीसगढ़ में बीजेपी के शासन में मिलता है, उसी इक्विवेलेंट में बड़ा एक MSP का रिवीजन करने के बाद हम किए हैं।
चिट फंड में जितने भी स्कैम हुआ है और लाखों करोड़ों रुपए जो खोया गया है लोग, उनको चिट फंड का इन्वेस्टिगेशन करा के उनको अपने पैसा वापस दिलाने के बात हम किए, ये सब विकास की बात हम ही कर रहे हैं। मगर हम ही किए मैनिफेस्टो में, जैसे आप बोले महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना, वो लोग भी स्कीम डाले हैं, आप बोले मतलब सोलर सिस्टम में अगर सारे गरीबों को इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देंगे हम, ये भी बोले हैं बीजेडी भी वही मैनिफेस्टो में बोले हैं कि हम लोग 100 यूनिट तक फ्री करेंगे विद्युत बिल, मतलब की इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेके, युवा के लिए उनके पास भी योजनाएं हैं। मैडम फर्क ये है, और जनता मैडम बहुत स्मार्ट होते हैं। और एक बात एमएसपी को लेके भी मैं बोल रही हूँ, मैं आपको बताता हूँ उनका 6 महीने पहले क्यों बीजेपी ये डिक्लेयर क्यों नहीं किया, अभी क्यों चुनावी के दौर में क्यों अभी डिक्लेयर किया गया कि सरकार में हम आने के बाद ये हम करेंगे, ये चुनाव के संदर्भ में नहीं डिक्लेयर किए तो क्या 5 साल पहले डिक्लेयर कर सकते थे क्या? चुनाव से पहले ही मैनिफेस्टो डिक्लेयर होता है क्या? मैनिफेस्टो चुनाव से पहले डिक्लेयर करने से क्या 5 साल पहले हम डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? और जनता सब देखते रहते हैं, जनता इस बार जब चुनाव में वोट करने के लिए जा रहे हैं अपने मैनिफेस्टो के साथ साथ मैनिफेस्टो के इंप्लीमेंटेशन का इच्छा शक्ति का भी जनता कंपेयर करके वोट डालेंगे। 10 साल मोदी जी ने जिस प्रकार से हम अपने मैनिफेस्टो का इंप्लीमेंटेशन राष्ट्रीय लेवल पे हम किए हैं, और छोटे छोटे चीज नहीं जी, बड़े बड़े काम जिसको पूरे देश मान चुके थे कि यह असंभव है, आर्टिकल 370 हटाना हम अपने मैनिफेस्टो में बोले थे कि हम करेंगे ही, हम किए। राम मंदिर 500 साल में नहीं बना था, हमने बनवा दिए। ओआरओपी 40-50 साल से पेंडिंग था, वो कराए हम। देश के क्रिमिनल लॉ सिस्टम, ब्रिटिश के जमाने में वो क्रिमिनल लॉ सिस्टम को उन्होंने लागू किए थे, 130 साल के बाद उसका रिविजिटिंग हमने की। तो जनता और डेवलपमेंट के चीज में भी 11वें नंबर में थे, देश का अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर पे आ गए हैं। देश में 70 साल में 74 एयरपोर्ट्स था, आज देश में 148 एयरपोर्ट्स है। देश में 70 साल में इन सभी पार्टियां मिलकर जितने मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल सीट्स सृष्टि किए थे उससे 2 गुना हम 10 साल में किए हैं। सो जनता इसका इंप्लीमेंटेशन देखे, इसका मतलब 10 साल में, 10 साल में और इसी 10 साल में। एक मिनट मैडम, एक और जनता ये इंप्लीमेंटेशन को देखे, बीजेपी का चुनावी संकल्प पत्र का इंप्लीमेंटेशन, जमीन स्तर पे इसका इंप्लीमेंटेशन को देखे है, अनुभव किए। हम जब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, क्या डिजिटल इंडिया सिर्फ बीजेपी के मैनिफेस्टो में है क्या? आपके फोन पे आज डिजिटल इंडिया नहीं है क्या? आप जब फोन पे पेटीएम या डिजिटल पे आप यूज करते हैं, यहां से आपके भाई या बहन जो बैंगलोर में है या पुणे में है उनको 10-15 रुपए मतलब 1,000 रुपए यहां से SMS के आसानी से जब आप बेचते हैं, क्या ये डिजिटल इंडिया का नहीं है क्या? क्या डिजिटल इंडिया के सिर्फ अपना संकल्प पत्र में है क्या? तो जनता इसको कंपेयर करती है विथ BJD's अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस। बीजेडी कैन प्रोमिस यू द मून बट इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे ना वो। मैं आपको बीजू युवा वाहिनी का एग्जाम्पल देना चाहता हूं। चुनाव से पहले ये बीजू युवा वाहिनी शुरू किए थे, आज क्या है स्थिति उसका? आप, मैं आपसे चाहता हूं एक स्पेशल शो बनाई है बीजू युवा वाहिनी के बारे में। अभी भी वो चुनाव से पहले एक नया ये लोकर आए हैं, ये स्मार्ट कार्ड देने का काम, कितने लोगों को स्मार्ट कार्ड अभी तक मिला है? चुनाव के 1-2 महीने पहले ऐसे घोषणा करना, चुनाव में जीतना, उसके बाद ये सभी घोषणाओं को भुलाना, इसी वजह से 25 साल लगभग सत्ता में होने के बाद भी स्थिति ऐसा है प्रदेश का। सो जनता जब जाते हैं, जनता मैनिफेस्टो भी कंपेयर करते हैं और मैनिफेस्टो के इंप्लीमेंटेशन का ट्रैक रिकॉर्ड भी कंपेयर करने के बाद जनता वोट डालती है। सबसे पहला चीज तो यह है कि देश लगभग 30 साल से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देश में नहीं था, पर प्रदेश में यहां के जनता पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिए। दिस शोज द इंटेलिजेंस ऑफ द कॉमन वोटर ऑफ ओडिशा। सो मैं ये नहीं मानता हूं कि यहां के वोटर सेंसिटिव नहीं है, यहां के वोटर सीधा साधा है, वो कुछ डीप थिंकिंग नहीं करता है। मेरा असेसमेंट है कि ओडिशा के वोटर बहुत सूक्ष्ममति है,
बहुत जागरूक है और यहाँ के वोटर पूरे देश के प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट देखकर ही वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पूरा मेजॉरिटी देंगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब धर्म की या संस्कृति के प्रश्न उठाते हैं, क्या यह गुनाह है क्या? ओडिशा में क्या प्रथा थी प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर का? चारों दरवाजा खुले थे, ये बाहर वाले सरकार लोग आकर उसका तीन दरवाजा बंद कर एक ही दरवाजा आज ओपन है। क्या ये मामला उठाना जरूरी है? नहीं है। हम वादा किए हैं, हम सरकार में आने के एक हफ्ते के अंदर अंदर हम चारों दरवाजा खोलेंगे और जिस प्रकार से यहां प्रथा चल के आए थे उसको हम रेस्पेक्ट करेंगे। क्या यह गलत है क्या? जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की छावी, वो कई महीनों से सालों से वो अनआइडेंटिफाइड है, कहां है पता नहीं है। क्या यह मुद्दा उठाना गलती है क्या, गुनाह है क्या? हमने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को हम सरकार में आकर एक हफ्ते के अंदर अंदर हम बाहर करेंगे और जितने भी लोग इसके पीछे हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करने का वादा भी हमने किए हैं। क्या यह समाज को भटकाने का वादा है क्या? ओडिशा को, ओडिया भाषा देश के एक क्लासिकल लैंग्वेजेस में एक है। ये भाषा के प्रमोशन के बारे में हम बात किए, क्या ये बड़ी चीज नहीं है क्या? यहां टूरिज्म का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल होने स्टेट है ये। G20 के संदर्भ में कोणार्क के सूर्य चक्र को G20 के एम्बलम जैसे बनाकर विश्व के सबसे जो बड़े बड़े नेता आए थे उनको वहां खड़ा करके फोटो खींच के पूरे विश्व को कोणार्क के जो विरासत है, अपने ओडिशा के जो कल्चर है, इसको विदेश स्तर पे ले जाने का काम कौन किया? मोदी जी ने किया। क्या ये धर्म विषय है इसलिए नहीं उठाना है क्या? क्या यहां के अपने मतदाता इन सभी इश्यू से कंसर्न नहीं है क्या? क्या यहां के मतदाता को जगन्नाथ जी के मंदिर के चारों दरवाजा खोलने का इश्यू इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? रत्न भंडार के चावी के इश्यू इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? आप जब भारत के पॉलिटिकल मैप को आप देखते हैं, दो प्रकार के डिफरेंस आपको पूरे देश के इकोनॉमिक स्थिति में आपको देखने में आता है। एक तो नॉर्थ और साउथ के बीच में जो डिफरेंस है और दूसरा वेस्ट और ईस्ट में जो फर्क है। और कई सारे ऐतिहासिक सामाजिक कारण हैं जो ये पिछड़ापन के लिए कारण है, परंतु आज के बिहार, आज के ओडिशा, झारखंड, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और पूरी अपने नॉर्थ ईस्ट, दिस रीजन कैन एक्चुअली बी द कैटलिस्ट फॉर इंडियाज ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 25 years। सो ओडिशा प्लेस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट। एंड मैंने जैसे बताया, ओडिशा हैज एवरीथिंग गोइंग राइट फॉर इट एक्सेप्ट फॉर द पोलिटिकल लीडरशिप। ओडिशा के पास भरपूर नैसर्गिक संपत्ति है, ओडिशा के पास बहुत हाई क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स है, ओडिशा के पास नदियों का पानी का कमी नहीं है, इरिगेशन का कमी है। और इस दोनों में बहुत फर्क है। इरिगेशन इज अ मैन मेड थिंग जिसके पीछे आपको पॉलिटिकल विल का जरूरत होता है। सो इरिगेशन यहां इसलिए कम है क्योंकि सरकारों ने जितना काम, पैसा, एफर्ट इरिगेशन में करना था, सिंचाई में करना था, वो नहीं किए। और यहीं से 10-15 किलोमीटर में जो हीराकुड डैम है उसके पीछे कर्नाटका से जो भारत रत्न सर्वम विश्वेश्वरैया जी थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। पर संबलपुर के आसपास के इलाका आज भी ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम में ग्रसित है। मतलब पानी का कमी नहीं है, इरिगेशन का कमी है। लंबी कोस्ट लाइन है और यहां से आज से नहीं सदियों पहले यहां से साउथ ईस्ट के लिए ट्रेड रूट्स होता था। सो अगर अपने पूर्वज यहां से तब भी इतने बड़ा ट्रेडिंग ओडिशा से किए हैं तो आज हम क्यों नहीं कर पाते हैं? इट जस्ट शोज द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप दैट अनफॉर्चुनेटली द स्टेट हैज सफर्ड फ्रॉम द लास्ट 2-3 decades।
और 4 जून के बाद हम फिर एक बार मुलाकात करेंगे, फिर एक बार इसी प्रकार से इंटरव्यू करेंगे, और उस दिन जब हम यहाँ मिलेंगे देर विल बी अ बीजेपी चीफ मिनिस्टर इन भुवनेश्वर। चलिए, बहुत राजनीति की बात होगी, अभी थोड़ा हल्का फुल्का में आ जाते हैं। मैं आपको एक एक नाम बताऊंगी, जैसे रैपिड फायर बोलिए, आप क्या पसंद देंगे उनको? शुरू करें अगर तो, फिर शुरू करते हैं मोदी जी। युग पुरुष। योगी आदित्यनाथ। हिंदुत्व के रक्षक और उत्तर प्रदेश के रिफॉर्मर। राहुल गांधी। ओवैसी। मोहम्मद अली जिन्ना ने हम सबको एक बहुत बड़ा सबक दिया है, ओवैसी जी जैसे व्यक्तियों को और उनके पॉलिटिक्स से सतर्क रहना है। ममता बनर्जी। आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। नवीन पटनायक। आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। तो उड़ीसा को आप समझे, संबलपुर आए, पहले भी आए हैं, और जितना बात मैं आपकी सुनी यहाँ पे, रुचि रखते हैं उड़ीसा के पॉलिटिक्स में, उड़ीसा में, क्योंकि ये तो नहीं, पहले भी एक आपका ट्वीट बहुत भी वायरल हुआ था पुलिस स्टेशन में भुवनेश्वर में, जब बैठे थे आपकी कर्मी, रात भर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था, तो मैं देखी हूँ खुद को। तो इसका मतलब उड़ीसा अच्छा लगा, उड़ीसा के लोग अच्छे लगे, उड़ीसा का यूथ में बहुत पावर है, उड़ीसा क्योंकि यहाँ पे वुमेन और यूथ दोनों ही सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पिलर है अगर देखा जाए तो, हर एक पार्टी के लिए, तो उनको कैसे अपने मतलब कि सपोर्ट में लाए, वोट कैसे आगे बढ़े, बीजेपी को कैसे फायदा मिले, लास्ट में क्या बोलेंगे उसको लेके, आज आज यूथ के हिसाब से? मैडम, मैं जिस कॉलेज में पढ़ा था वहाँ भी उड़ीसा से आए कई सारे युवा मेरे साथ क्लासमेट्स थे। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करता हूँ, बेंगलुरु में लाखों संख्या में ओडिशा से आए लोग हैं, उनके साथ हमेशा उनके कार्यक्रमों में जाना आना, दुर्गा पूजा में पार्टिसिपेट करना ये होता रहता है। मेरे राष्ट्रीय टीम में बहुत सक्षम यहाँ से आए हुए युवा हैं। मैं जब उनके साथ बातचीत करता हूँ मुझे संभावना और संभावना ही दिखता है, और ओडिशा के लोग अत्यंत सीधा साधा लोग हैं, बहुत अच्छे मन के लोग हैं और बहुत रिफाइंड लोग हैं। अपना भाषा हो गया, अपने खाना पाने का पद्धति हो गया, अपना पूजा के पद्धति हो गया, और हजारों साल से इस सब को बचा के आए हैं। आज भी जब हम माता समलेश्वरी की दर्शन करने के लिए गए थे, जिस प्रकार से वहाँ के पंडित लोग हजारों साल के वहाँ के इतिहास बताए, इसके उनका उतना गर्व उनको लग रहा था। यहाँ कोणार्क जैसे बहुत बड़ा एक आर्किटेक्चरल वंडर भी है, चिलिका जैसे देश के सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक भी हैं, जहाँ आपको इरावाड़ी डॉल्फिन्स मिलता है, आपको यहाँ इतना बड़ा फ्लोरा फौना आपको दिखना मिलता है। यहाँ देश के वो कोल हो गया, बॉक्साइट हो गया, इतना बड़ा धन संपत्ति, नैसर्गिक संपत्ति आपको मिलने होता है। देर इज एवरी थिंग दैट यू नो आई मीन वन कैन ड्रीम फॉर इन ओडिशा। The only thing that has held Odisha back is lack of political leadership that the state deserves. तो समृद्धि और संभावना के राज्य उड़ीसा में धर्मेंद्र जी को आप कैसे देख रहे हैं? धर्मेंद्र जी उड़ीसा का प्रधानमंत्री के साथ एक हॉटलाइन है, और यहां के युवा, यहां के महिला, यहां के गरीब, उनके अत्यंत छोटा हो या सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो, इसका समाधान दिल्ली से होना है तो आपका स्पीड डायल धर्मेंद्र प्रधान जी है। सांसद बनने से पहले ही उन्होंने संबलपुर को, ओडिशा को इतने सारे चीज दिए, और अगर उनको यहां से वो चुनने के बाद जब वो मंत्री बनेंगे, एक यहां तो एक स्पेशलिटी ये भी है कि वो ऑलरेडी केंद्रीय मंत्री है, तो जब वो दूसरी बार सरकार में वो मंत्री बनेंगे तब और ज्यादा फायदा
यहाँ के युवाओं को मिलेगा, यहाँ के गरीब को मिलेगा, यहाँ के युवाओं के महिला को मिलेगा। सो मेरा रिक्वेस्ट सबसे ये है, आप 25 साल तक बीजेडी को मौका दिए, आप सिर्फ 5 साल के लिए बीजेपी को वोट दीजिए। जो 25 साल में नहीं हुआ है उसको 5 साल में भारतीय जनता पार्टी हम करके दिखाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है मोदी जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या जी हमसे बात करने के लिए, और इतना अच्छा उड़ीसा के बारे में आप जानते हैं, उड़ीसा की हर एक चीज़ में आपका इंटरेस्ट, ये जान के बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में भी बोल देती हूँ कि रसगुल्ला खाने की मन था, तो वो इच्छा भी आपका पूरा हो जाए इस दौरान इस बीजेपी। हाँ हाँ, झारसुगुड़ा में अभी ऑन द वे एक दो रास्ते में हम प्लान किए हैं एक दो जगह जाने के लिए, और आप सबको बधाई, रसगुल्ला का जीआई टैगिंग भी ओडिशा को मिला जी, तो भी रसगुल्ला जैसे मिठाई है आपका, वो जो अभी इच्छा है भाजपा का जो 2024 इलेक्शन ओडिशा को लेके जो ड्रीम है या जो भी इच्छा है वो भी मिठा की तरह मिठास ही निकले उसमें से। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे टाइम देने के लिए। आम स्वीटले तेजस्वी सूर्या खोला खोली कथा हेले आम सहित ओडिशा विषय से कौन ভাবুচ্ছন্তি কোন চিন্তা করছন্তি ওড়িশার ইউথ যুবক কোন তাঙ্কু নেই কোন সেমানে স্বপ্ন দেখিছন্তি মহিলা কিভাবে ভাবরে গোটে স্ট্রং পিলার হবা পাই মধ্যে ভাজপা পাই যাউছন্তি এবং ভরি ভরি ভোট দেওয়া পাই কইছন্তি এবং শেষে সে গোটে কথা কইছন্তি কি ধর্মেন্দ্র প্রধান হচ্ছন্তি স্পিড ডায়াল ওড়িশার যদি বিকাশ কো আমাকে দেখা যাব এবং তা সহিত 25 বর্ষ হলেনি আপনার গোটে সরকার কো সুযোগ দিয়েছন্তি 5 বর্ষ থরে ভাজপা কো বা বিজেপি কো সুযোগ দিয়ে দেখন্তু বলে সে অপিল করছন্তি। সময় জি কার্যক্রম কেট রাখিবা। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।